गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आवर टुडेज टॉपिक इज़ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। हेटरो मीन्स क्या होता है? डिफरेंट, और ट्रॉपिक मीन्स फूड, कि जो क्या करते हैं किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, किसके लिए? अपने फूड के लिए, ठीक है। द ऑर्गेनिजम्स दैट डिपेंड ऑन अनदर प्लांट्स और एनिमल्स फॉर देयर फूड, एंड दिस एनिमल्स और प्लांट्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। कि वैसे तो हमने लास्ट वीडियो में बोला था कि ऑल प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक, ऑलमोस्ट ऑल प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक, दिस कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, बट देर इज सम एक्सेप्शनल केसेस, सम प्लांट्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड डिपेंड्स ऑन अनदर प्लांट्स और एनिमल्स फॉर देयर फूड। ओके, तो हेटरो मीन्स डिफरेंट, ट्रॉपिक मीन्स फूड, के किसी दूसरे ऑर्गेनिजम से, या हेटरो मीन्स अदर ऑर्गेनिजम से जो अपना फूड लेते हैं, और वो भी कौन? प्लांट्स, ठीक है। तो फर्स्ट देखो, सम प्लांट्स डू नॉट हैव क्लोरोफिल एंड कैन नॉट फोटोसिंथेसाइज। तो ऑब्वियस है कि अगर उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं है तो कौन सी प्रोसेस नहीं होगी? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी। अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी तो वो प्लांट्स अपना खुद फूड है जो वो प्रिपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो क्या करेंगे फिर? इसे दूसरे पे डिपेंड रहेंगे। सम प्लांट्स ग्रो इन द प्लेसेस दैट डू नॉट रिसीव इनफ सनलाइट और द सोयल लैक्स सम इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स। कि प्लांट्स ऐसी जगह पे होते हैं, ऐसे प्लेसेस पे होते हैं जहाँ पे या तो उनको इनफ सनलाइट नहीं मिलती, या फिर उनकी जो सोयल है, जिस सोयल में वो ग्रो होते हैं, वहाँ पे इनफ न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। किसके लिए? कि वो अपने क्या कर सके? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट कर सके, ठीक है। सच प्लांट्स डिपेंड ऑन अनदर ऑर्गेनिजम्स, इसलिए ये प्लांट्स किस पे डिपेंड होते हैं? किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं। किसके लिए? न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स। अब इसी, ये आपके फोर टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होते हैं आपके पैरासिटिक, सेकेंड होते हैं आपके सेप्रोफाइटिक, थर्ड होते हैं आपके इंसेक्टिवर्स, और फोर्थ होते हैं आपके सिम्बायोटिक प्लांट्स। तो फर्स्ट देखिए इसके अंदर पैरासिटिक प्लांट्स। पैरासिटिक प्लांट्स अ प्लांट दैट पार्शली और कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन अनदर प्लांट्स फॉर न्यूट्रिशन इज कॉल्ड पैरासिटिक प्लांट। कि प्लांट देखो, इसने बोला हेटरोट्रॉपिक, तो ऑब्वियसली किसी न किसी दूसरे पे तो डिपेंड होंगे, ठीक है। अब ये पार्शली होंगे या कम्प्लीटली होंगे वो डिपेंड करता है किस पे? प्लांट पे। पार्शली यानी हाफ, ठीक है, कि कुछ अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेंगे और कुछ के लिए क्या होंगे? किसी दूसरे पे डिपेंड होंगे, ठीक है। और कम्प्लीटली मतलब कि अपना खुद कुछ भी नहीं बनाएंगे, सिर्फ दूसरे पे ही डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो देखो, द प्लांट फ्रॉम विच द पैरासिटिक प्लांट डिराइव्स न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड द होस्ट प्लांट। इसमें क्या होते हैं? दो प्लांट होते हैं। एक तो क्या, कौन सा होता है? होस्ट, ठीक है। अब इसमें होस्ट एक तो क्या होता है? होस्ट, और दूसरा क्या होता है? मतलब जो से ले रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? द प्लांट विच द पैरासिटिक प्लांट डिराइव्स न्यूट्रिएंट्स, कि जो एक होता है होस्ट और दूसरा कौन सा होता है? पैरासिटिक प्लांट्स, ठीक है। पैरासिटिक प्लांट्स कौन सा होता है? जिसको क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए। और होस्ट कौन होता है? जो इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, दैट इज़ होस्ट। तो होस्ट क्या करता है? इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जो देता है उसको हम क्या बोल देते हैं? होस्ट। जैसे KBC शो आता है आपका, उसमें अमिताभ बच्चन क्या है? होस्ट है, यानी वो क्या कर रहे हैं? उसको पैसे दे रहे हैं जो वहाँ पे विन कर रहे हैं, तो गेम को विन करते हैं। तो ऐसे पैरासिटिक को जो फूड प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज कॉल्ड होस्ट, ठीक है। तो देखो इसके अंदर, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन पैरासिटिक प्लांट्स इज कॉल्ड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। रूट्स इन पैरासाइट प्लांट्स आर मोडिफाइड टू पेनिट्रेट इन टू द स्टेम्स और रूट्स ऑफ द अदर होस्ट प्लांट्स। क्योंकि इसमें क्या होते हैं कि जो रूट्स होती हैं किसकी? पैरासिटिक प्लांट्स की, ठीक है। इनकी रूट्स कैसी होती हैं? इनमें इजली कैपेबिलिटी होती है कि ये क्या कर सके? दूसरे प्लांट की स्टेम के अंदर क्या कर सके? पेनिट्रेट कर सके। पेनिट्रेट मतलब एंटर कर सके किस दूसरे प्लांट की रूट्स में या उसके स्टेम्स में क्या कर सके? एंटर कर सके और वहाँ से अपना क्या कर सके? फूड को ड्राइव कर सके, यहाँ से फूड लेके फिर वापस अपने पास, ठीक है। नेक्स्ट, द पैरासिटिक प्लांट्स ऑलवेज हार्म्स द होस्ट प्लांट। कि वो क्या करते हैं? हमेशा हार्म करते किसी होस्ट प्लांट को, जिससे न्यूट्रिशन लेंगे ओब्वियसली वो उसको तो हार्म ही होगा, उसको तो कोई बेनिफिट हो नहीं रहा, ठीक है। बिकॉज उससे क्या कर रहे हैं? वो डिप्राइव कर रहे हैं, यानी न्यूट्रिशन को ले रहे हैं। कौन कौन से कि जो वैल्यूएबल उसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स उनको सारों को अपने आप ले रहे हैं, तो जो प्लांट है उसके अंदर क्या हो जाएगी? डेफिशिएंसी हो जाएगी उन न्यूट्रिएंट्स की।
ठीक है, वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स जो कीमती उसके न्यूट्रिएंट्स थे वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, ठीक है। हाउएवर द होस्ट प्लांट इज रेयरली किल्ड इन अ पैरासिटिक रिलेशनशिप, इसलिए जो होस्ट प्लांट है वो क्या होता है, बट मतलब ऐसा भी नहीं है कि जो होस्ट प्लांट है वो बिल्कुल किल हो जाता है, किल तो नहीं होता, बट उसके अंदर क्या हो जाती है, सिर्फ न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है जो उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब पैरासिटिक प्लांट्स आपके कितने टाइप्स के, टू टाइप्स के हैं, कंप्लीट पैरासाइट और पार्शियल पैरासाइट। फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट कंप्लीट पैरासाइट। पैरासिटिक प्लांट्स दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन होस्ट प्लांट, कि जो पूरी तरह किस पे डिपेंड होता है, होस्ट प्लांट पे ही डिपेंड होता है, किसके लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट पैरासाइट्स। दिस प्लांट्स डू नॉट हैव क्लोरोफिल एंड कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, किन के अंदर बिल्कुल भी क्लोरोफिल नहीं होता, अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते। अब देखो जैसे कैस्क्यूटा इज ए कंप्लीट पैरासाइट, इट हैज स्पेशल रूट लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड होस्टोरिया दैट ग्रो इनटू टिश्यूज ऑफ द होस्ट प्लांट एंड ड्रॉ न्यूट्रिएंट्स इन वाटर, कि एक होस्टोरिया हमारा एक प्लांट, सॉरी कैस्क्यूटा, या फिर उसको डोडर भी बोलते हैं, अब ये दिखाई दे रहा पिक्चर में, ये क्या करता है, अपने न्यूट्रिएंट्स क्या करता है, दूसरे के, किसी दूसरे की बॉडी से ही ड्राइव करता है सारा का सारा न्यूट्रिशन, ओके। नेक्स्ट हमारा पार्शियल पैरासाइट। पार्शियल पैरासिटिक प्लांट्स क्या है, इसके अंदर डू नॉट कम्प्लीटली डिपेंड ऑन द होस्ट प्लांट, कि होस्ट प्लांट पे डिपेंड तो होते हैं बट कम्प्लीटली नहीं होते, पार्शियली डिपेंड होते हैं, ठीक है। पार्शियल मीन्स हाफ, ठीक है, कुछ डिपेंड होते हैं, कुछ अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है। दिस प्लांट्स यूजली हैव क्लोरोफिल एंड देयर फॉर कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाई फोटोसिंथेसिस, कि इन प्लांट्स के पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है और अपना फूड क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। हाउएवर दिस प्लांट्स डिपेंड ऑन अनदर प्लांट्स फॉर मिनरल्स एंड वाटर, तो इसलिए क्या होते हैं, प्लांट्स किसी दूसरे पर डिपेंड होते हैं, किसके लिए, अपने सिर्फ मिनरल्स और वाटर के लिए, कि इनके अंदर फोटोसिंथेसिस तो होती है तो इनको अपना फूड तो प्रिपेयर हो जाता है, लेकिन क्या नहीं मिलते इनको, मिनरल्स और वाटर। मिसल्टो इसका एक एग्जांपल है। मिसल्टो इज़ अ पार्शियल पैरासाइट एज इट हैज़ क्लोरोफिल, कि इसके अंदर अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पार्शियल पैरासाइट, यानी फूड तो प्रिपेयर कर सकता है बट डिपेंड किस पे होता है, दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे, किसके लिए डिपेंड होता है, वाटर एंड मिनरल्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे सेप्रोट्रोपिक या फिर सेप्रोफाइटिक प्लांट्स। देखो सेप्रोट्रोपिक, देखो इसके अंदर अ प्लांट दैट ऑब्टेन इट्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकिंग प्लांट एंड एनिमल मैटर इज कॉल्ड अ सेप्रोट्रोपिक प्लांट, कि जो ऑब्टेन तो करता है अपना न्यूट्रिएंट्स पर कहाँ से, डेड एंड डिकिंग प्लांट से अपना न्यूट्रिशन लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रोपिक प्लांट्स, ठीक है। सेप्रोट्रोपिक प्लांट्स कौन से होते हैं, सिक्स क्लास में भी आपने स्टडी किया था सेप्रोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में। अ प्लांट्स दैट ऑब्टेन इट्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकिंग प्लांट एंड एनिमल मैटर, कि जो गला सड़ा जो प्लांट होते हैं उनसे क्या करता है, अपना न्यूट्रिशन लेता है, ठीक है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन सेप्रोट्रोपिक प्लांट इज कॉल्ड सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, कि जिस मेथड से वो न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो उस मेथड को हम क्या बोल देंगे, सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अब देखो सेप्रोट्रोपिक प्लांट्स आर यूजली नॉन ग्रीन एंड हैव नो लीव्स, के कैसे होते हैं, बिल्कुल ग्रीन नहीं होते थोड़े से भी, ठीक है। नॉन ग्रीन प्लांट्स होते तो ऑब्वियसली क्या नहीं होगा, क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है तो इसके, और ना ही इनके पास क्या होती है, लीव्स होते। देखो ये जो स्ट्रक्चर शो किए हुए हैं, क्या नहीं किसी में लीफ दिखाई दे रही है, जैसे हमारे नॉर्मल प्लांट्स में होते हैं, मैंगो ट्री में होती हैं, गवावा में होती है, क्या इनके अंदर है ऐसी लीफ नहीं है ना। हाउएवर सम प्लांट्स बियर ब्राइट सेप्रोट्रोपिक plants are usually non-green and have no leaves. However, some plants bear bright flowers. लेकिन कुछ के पास कैसे होते हैं, flowers bright होते हैं, मतलब चमकते हैं उनके plants, flowers. These plants often grow in shady areas. ये almost कहाँ मिलते हैं आपको, shady area, यानी जहाँ पर sunlight नहीं होती वहाँ पर होती है, छाया वाले area के अंदर ज़्यादा होती है। Indian pipe and coral